राजधानी जयपुर के रामगंज थाने में एक एनआरआई के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में आरोपी ही साहूकार बन बैठे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एनआरआई तुलसी केसवानी के साथ जयपुर के व्यापारी ऋषि फतेहपुरी और उनके साथियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। तुलसी केसवानी जो काफी समय से जयपुर के ऋषि फतेहपुरिया के साथ डायमंड का बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने करोड़ों रुपए निवेश किए थे। जब जांच करवाई गई तो यह पाया गया कि जयपुर का व्यापारी नकली डायमंड भेज रहा था। एनआरआई तुलसी केसवानी की शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एनआरआई के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया है। एनआरआई के वकील मनोज लगातार पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जयपुर के रामगंज थाने में एनआरआई तुलसी केसवानी के साथ हुई इस धोखाधड़ी की घटना ने न्याय की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों के साथ हो रही ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं से व्यापारिक वातावरण भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ये देखिए, मैं मनोज शोरान एडवोकेट हूँ और मैं जो है तुलसी केसवानी जी हैं, यूएसए स्थित एनआरआई हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और उन्होंने जो है जैसे बताया, उनके खिलाफ़ एक यहाँ ऋषि फतेहपुरिया जो है नाम के, जो उन्हीं के बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और ऋषि फतेहपुरिया ने जो है उन पर ये आरोप लगाया 2023 में कि भाई मैं 2006 से लेके 2022 तक और तुलसी केसवानी जी के साथ व्यापार करता रहा हूँ यूएसए में और उसके अन्य जो कंट्रियों में जो स्टोर हैं उनमें। तो उन्होंने 2022 से 22 तक जो है मेरे साथ निरंतर व्यापार किया है, पैसे का हमारा लेन देन होता रहा है, हमारा सामान का लेन देन होता रहा है। और वहाँ पे जो है ऋषि फतेहपुरिया ने जो है आरोप लगाया कि भाई तुलसी केसवानी ने मेरे कुछ पैसे रोक लिए हैं, वो पैसे दे नहीं रहा है और मेरे परिवार की हालत ख़राब है, इसलिए जो है उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है। ठगी का कैसे पता पड़ा? ठगी का तब पता चला जब वहाँ इन्होंने सामान भेजा और सामान भेजने की वहाँ उन्होंने उसकी जांच कराई, जो लेबोरेटरी टेस्ट करवाया वहाँ पे पता चला लेबोरेटरी टेस्ट में कि ये नेचुरल स्टोन की जगह पे मैनमेड ग्लास वहाँ पे भेज रहा था और उस मैनमेड ग्लास के पेटे उन्होंने जो है पैसे उठाए हैं। ऐसा जो है तुलसी केसवानी जी ने इन पे आरोप लगाया है कि ये निरंतर मेरे को जो है नेचुरल स्टोन की जगह पे जो है गलत सामान भेजता रहा है और गलत सामान भेजकर मेरे से जो इन्होंने निरंतर जो है पैसे उठाए हैं, निरंतर मेरे साथ ठगी की है, उल्टा मेरे साथ ठगी की है। और उसी के जो है उसी को लेके उसने जो है यहाँ जयपुर पुलिस और जयपुर प्रशासन या जयपुर अपने सिस्टम का सहायता लेके और वो बेचारे जो यूएसए वाले हैं उसी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा दिया। देखिए, तुलसी केसवानी जी ने जो है वहाँ जो यहाँ जो एसपी साहब राशि डोगरा जी हैं उनको भी लिखा है, मेल लिखा है, यहाँ एसीपी हैं उनको भी मेल लिखा है, यहाँ जो एसएचओ है उनको भी मेल लिखा है और उसमें निरंतर वो शुरू से लेके आज तक गुहार लगा रहे हैं कि भाई मेरी जो है मेरे खिलाफ जो एफआईआर है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, किसी भी तरीके से मैंने किसी भी प्रकार का कोई पैसा इसका हड़प नहीं किया है, उल्टा इसने मेरे साथ ठगी की है, मेरे को गलत सामान भेज के मेरे से ही गलत पैसे मेरे पैसे लिए हुए हैं। तो उन्होंने इन पर आरोप लगाया। यहाँ ये कहना है कि अगर उन्होंने जो अगर कोई बात है तो आप आके मुकदमा दर्ज कराओ। अब यूएसए वाला आदमी अगर वहाँ से आके यहाँ मुकदमा दर्ज कराएगा और यहाँ मुकदमा चलाना चाहता है तो आप पुलिस का कहना है कि भाई उसको आना जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ इनका जो ये कहना है कि भाई एक जो यूएसए वालों का गुजरात में सूरत स्थित जो है मिस्टर बालानी नाम का है जो मैनेजर है, जो यूएसए वालों की फैक्ट्री है कोई सूरत में, इसकी ज्वेलरी की फैक्ट्री है उसमें वो बालानी संभालता है और पुलिस ये इनके इन प्रकारण उस बालानी के ज़रिए यूएसए वालों को जो है घेरने का प्रयास करती है, क्योंकि यूएसए से तो पहुँच नहीं सकते। तो बोला जो है उस बालानी को जिस तरीके से कैसे टॉर्चर किया जाए उसको जो है उसको प्रेशराइज करते हैं। और इसके साथ ही 2023 में जो मुकदमा दर्ज था उन्हीं के कंटेंट्स को लेके वापस आपको हैरानी होगी, 2023 में जब सारे जो है उसमें एलिगेशन लगा दिए, 2024 में पाँचवें महीने में अभी वापस एक मुकदमा उसी तरीके का जो सूरत वाला जो मैनेजर है उसके खिलाफ उन्हीं तथ्यों को लेके एक आरोप और लगा दिया। पुलिस की भूमिका को मैं संदिग्ध नहीं कह सकता क्योंकि मेरा कोई अधिकार नहीं है मैं पुलिस को जो एक जाँच एजेंसी के ऊपर जो है कोई किसी तरीके का वो उठाऊँ, लेकिन पुलिस का रुख बिल्कुल नरम है। पुलिस ने कोई जो है किसी जो बाहर जो एनआरआई जो बैठे हैं जो व्यापार कर रहे हैं उनकी जो मदद करनी चाहिए थी पुलिस ने नहीं की है और जो उनके उल्टा उनको धमकाने का प्रयास किया है।